दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है आज के न्यूज़पेपर में निकल के आ रही है। न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि प्रवेश परीक्षा में 3.91 लाख परीक्षार्थी आजमाएंगे किस्मत। यानी कि आज यूपी पॉलिटेक्निक ने अपने ऑफिशियली डाटा से यह घोषित कर दिया कि कितने स्टूडेंट जो है परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और कितने लाख सीटों पर जो है इस तरीके का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और कितनी निजी डिप्लोमा कॉलेज हैं, कितनी सरकारी डिप्लोमा कॉलेज है, किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा आज के न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान संवाद में दे दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इस बार 3.91 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। ये सभी छात्र प्रदेश भर के राजकीय सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों की 2.40 लाख सीट के लिए किस्मत आजमाएंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 1925 जुलाई को होनी है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो 1925 जुलाई को होनी है और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इस बार 3.91 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीटों की बात करें तो पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट और निजी संस्थानों की बात करें तो 2.40 लाख सीट है। इन्हीं के लिए जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल आयोजित किया जाता है। आगे इन्फॉर्मेशन ये कही जा रही है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पहली बार प्रवेश परीक्षा जुलाई में होने जा रही है। इससे पहले दोस्तों परीक्षा जुलाई में नहीं होती थी, अब तक जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट के तौर पर होता था। इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा की कुल 153,934 सीटों के लिए और 278,140 छात्र 19 जुलाई को सुबह 9 बजे से 12 बजे की पहली पाली में परीक्षा देंगे। यह परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। वही ई ग्रुप की 58,758 खाली सीटों के लिए 66,310 छात्र जो है 19 जुलाई को ही दूसरी पाली में परीक्षा देंगे। यहाँ पर आज सब कुछ डाटा क्लियर कर दिया गया है कि कितने सीट के लिए कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होंगे। इसी हिसाब से आप अपना कट ऑफ अनुमान लगा लीजिएगा। छात्र 19 जुलाई को ही दूसरी पाली में परीक्षा देंगे जबकि अन्य सभी ग्रुप की परीक्षा 25 जुलाई को 2 पालियों में होंगी। यह परीक्षाएं जो हैं दोस्तों ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। जितनी सारी लेटरल एंट्री की एग्जामिनेशन होंगे दोस्तों इस बार सभी लेटरल एंट्री के एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कराए जा रहे हैं। इसमें जो है 46,442 छात्र सम्मिलित होंगे। इस बार इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए सबसे ज़्यादा 2.78 लाख और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के सबसे कम 105 आवेदन हुए हैं। ऑनलाइन में बता दें आपको कि 2.40 लाख सीटों के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा और यहां पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही कि 1925 जुलाई को 2 पालियों में आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग की प्रक्रिया किस तरीके से होगी हम बता दें। सचिव एसके वैसे के मुताबिक परिषद ने इस बार परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। इस बार जहां परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कराई जा रही है वही पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस बार स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी, यानी कि स्पॉट काउंसलिंग का सिस्टम इस बार ख़त्म हो चुका है। जब सभी जो है 8 राउंड काउंसलिंग में जो है सभी सीटों को फुलफिल किया कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले वाले इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। धन्यवाद।